हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छा ही हो गया तुम लोग। चलिए आज हम आप लोग को मैथ स्टार्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि आज बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर मैथ में कुछ सवाल में दिक्कत हो गया है या द्विघात समीकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए। इसीलिए हम आपका आज केमिस्ट्री रोक करके मैथ का द्विघात समीकरण चैप्टर 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। मैथ का द्विघात समीकरण चैप्टर 4.2 आज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम आप लोग को 4.2 का जो द्विघात समीकरण चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 14 का 5 नंबर बताएंगे दोस्तों, तो आप लोग भी देखिएगा और समझिएगा, ठीक ना। केसी सिन्हा के बुक से है दोस्तों द्विघात समीकरण चैप्टर। तो आज देखिए ये एक समीकरण दोस्तों द्विघात समीकरण है, कैसे सॉल्व करते हैं, आइए चलते हैं सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है √7y² - 6y - 30 √7 = 0। अब सीखना दोस्तों, सीखना ध्यान से। सबसे पहले सोचो कौन ऐसा संख्या है, कौन दो गो ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पर 6 आएगा। समझ रहे ना, जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आएगा बाबू, 6 आएगा। और गुना करने पर कितना आएगा, तो देखो इसको इससे गुना कर दीजिए, ठीक ना। यहां किनारे कर लीजिए, 13√7 × √7। तो √7 × √7 कितना हो गया, ओनली 7। 13 × 7 = 91। अब सोचिए कौन ऐसा दो संख्या है दोस्तों जिसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आएगा 6 और गुना करने पर आएगा 91। सोचिए सोचिए कौन ऐसा दो संख्या है जिसको जोड़ने पर तो नहीं आएगा लेकिन घटाने पर जरूर आएगा। घटाने पर 6 आएगा, गुना करने पर 91 आएगा। सोचिए कौन ऐसा दो संख्या है। चलिए आंसर मिला दोस्तों 13 और 7। नहीं देखिए तो 13 में 7 गया कितना दोस्तों, 6। अब 13 × 7 कितना, 91। चलिए मिल गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, √7y² - 6 के बदले क्या लिखेंगे, 13y + 7y। तो −13 + 7 कितना हो गया दोस्तों, −6। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसे हम ऐसा लिखें, आपकी इच्छा है। नहीं सर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम 7 को एक साथ रखेंगे, तो आप ऐसा लिख लीजिए +7y - 13y। आप ऐसा भी लिख सकते हैं जिससे 7 7 एक तरफ हो जाएगा, −13√7 = 0। कंप्लीट दोस्तों। चलिए अब देखिए हम इसको कॉमन करते हैं, अब इसको हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक ना। अब सीखिए यहां पर देखिए √7 और 7 समझना है, √7 और 7 इस दोनों में छोटा कौन है दोस्तों, 7 और √7 में छोटा कौन है, पता चल गया आपको कि जिसमें रूट रहता है उसका मतलब होता है आधा। इस 7 है पूरा, रूट वाला क्या होता है आधा, तो जो आधा है मतलब छोटा है, √7 हो गया कॉमन। यहां y² है, यहां y छोटा कौन है, y, क्या कर लिए कॉमन, ठीक है दोस्त। अब आप समझिए यहां क्या बच गया, √7 तो निकल गया, 2 गो y में 1 निकल गया, 1 बच गया, ठीक है। प्लस यहां देखिए 7 से √7 निकल गया, 7 में से ये पूरा में से आधा निकल गया, आधा बच गया, नहीं ये पूरा है 7 में से √7 निकाल दिए तो √7 बच गया, y तो निकल ही गया। चलिए −−, अच्छा हुआ यहां देखिए y है, इसमें y है क्या, नहीं ना है, लेकिन हाँ यहां 13 है, इसमें भी 13 है, मिल रहा है, निकाल लीजिए। अब क्या बच गया यहां पर y, −−, क्या हो गया प्लस, यहां क्या बच गया √7 = 0। अब देखिए दोस्तों लगा ना ये दोनों बराबर हैं, जैसे ही दोस्त ये दोनों बराबर हो जाए समझ जाइए आपका आंसर सही है, क्लियर, ये दोनों सही हो जाए आपका आंसर सही है। अब देखिए ये बाहर वाला है, ये घेरा के अंदर है, सब घेरा के बाहर, तो बाहर वाला एक साथ
और अंदर वाले को एक साथ लिखिए, दोनों एक के है, एक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गई। चलिए बराबर कितना जीरो। अब देखिए माइनस है ना, इसको अलग अलग करके लिखिए, रूट सात वाई माइनस कितना तेरह बराबर जीरो, माइनस तेरह बराबर उधर चला गया, प्लस तेरह या वाई बराबर तेरह बटे रूट सात। देखिए एक आंसर आ गया दोस्त, ठीक है। यहां देखिए दूसरा वाई प्लस रूट सात बराबर जीरो, प्लस रूट सात बराबर उधर कर दिए माइनस रूट सात, हो गया आंसर। चलिए उतार लीजिए सभी बच्चे लोग, सभी बच्चे लोग फटाक से उतारिए। चलिए उतर गया, जल्दी उतारिए। उतार लिए, चलिए अब अगले उतारने काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है, ठीक ना, उतारने काम जल्दी जल्दी करना है, क्या करना है जल्दी जल्दी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों पंद्रह के एक पर। सीखिए पंद्रह का एक नंबर, पंद्रह के दोस्तों देखिए कि टोटल पांच सवाल है, सब एक ही तरह का सवाल है, तो चलिए हम एक नंबर पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर जीरो। देखिए देखने में तो बहुत डेंजर लग रहा है दोस्तों, ठीक ना, डायनासोर से भी खतरनाक लग रहा है, ठीक ना, लेकिन इसको हम लेमन चूस की तरह समझ गए हम क्या करना है, बस जो समझ गया वही काम करना है। अब देखिए इसको सॉल्व, ठीक ना, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर जीरो। हुआ देखो एक दो तीन चार, चार टर्म है ना, घेर दीजिए दो दो को, दो दो को घेर दीजिए, घेर दिए, दोनों में क्या मिल रहा है बाबू, तो इसमें भी बी स्क्वायर है, इसमें भी बी स्क्वायर है कॉमन, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, छोटा कौन है बाबू एक्स कॉमन, क्या बच गया, यहां देखिए बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो चल ही आया, यहां दो गो एक्स में एक एक्स निकल गया, बच गया एक एक्स, ठीक ना। अच्छा यहां बी स्क्वायर एक्स था निकल गया, क्या बच गया एक, ठीक है माइनस माइनस। अच्छा बाबू इस दोनों में कुछ मिल रहा है क्या, कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ मिले तो जानते हैं सबका मालिक एक, एक कॉमन कर लिए, लिख दिए ए स्क्वायर एक्स माइनस माइनस होगा प्लस, कोई दिक्कत, बाहर वाला एक साथ नहीं पढ़े कि नहीं, और अंदर वाला एक साथ कन्फर्म हो गए बराबर जीरो। अब दोनों को अलग अलग लिखना है, इसको लिखिए बी स्क्वायर एक्स माइनस वन बराबर जीरो, माइनस वन बराबर उधर गया प्लस वन, या एक्स बराबर वन बाय बी स्क्वायर। चलिए एक आंसर हो गया, इधर के लिए देख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस वन बराबर जीरो, प्लस वन बराबर उधर चला गया माइनस वन, या एक्स बराबर माइनस वन बाय ए स्क्वायर, हो गया आंसर। कितना आसान था, उतार लीजिए इसको।
सब लोग उतार रहे हैं, समझ समझ के उतारिए। उतार लिए, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इसको मिटा दे रहे हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताकि सीख जाए पूरी तरह से, समझ जाए, ठीक ना। एक ऐसा ही क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, देखिए इसी का है, पांच नंबर है। 4x² - 2a² + b² x + a² b² = 0। जो क्वेश्चन बच रहा है वो आप लोग बनाइए, गलत सही, ठीक ना। गलत बनाइएगा तो दिखा दीजिएगा, सही बनाइएगा मत दिखाइएगा, ठीक ना दोस्त। चलिए तो ये कुछ अजूबा क्वेश्चन है, इसको गंदी नजर से आप लोग भी देखिए ताकि आसानी से बन जाए। सबसे पहला काम, हिसाब नहीं बन रहा है, नहीं आता है आंसर, लेकिन हाँ एक चीज जरूर सीख रहे हैं इसमें। लग रहा है कि दो को और एक्स को इस दोनों से गुना कर दे, नहीं लग रहा है, इंटू में है, गुना कर दे। चलिए कर देते हैं, आपका नाम लेके आज कर देते हैं दोस्तों। चलिए आज आफी का नाम है, 2 को ए स्क्वायर से गुना किया, 2a² अब पीछे में क्या लगल है, एक्स। ई कहता है हम आगे आगे, ई क्या बोलता है हम पीछे पीछे, 2 को ए स्क्वायर से गुना किए 2a² एक्स को भी गुना कर दिए, हो गया एक्स, तो आगे आगे पीछे पीछे, ठीक। माइनस था इसलिए क्या दिए माइनस, फिर देखो माइनस सही प्लस क्या हो गया माइनस, फिर 2 को बी स्क्वायर सुना किए 2b² और जानवे करते हो पीछे पीछे लग गया प्लस a² b² = 0। एक बार फिर से बता दें, चलिए देख लेते हैं फिर से। इस दोनों को यहां 2 यहां x, इस दोनों को इस दोनों से गुना करना है, तो 2x को इससे गुना कर दिए तो हो गया 2a² x। आगे था आगे लगा दिए, पीछे था पीछे, जिसका जहां जगह है। अब 2b को 2b² गुना किए x था लिख दिए बस। अब देखिए 1 2 3 4 हो गया ना, जहां 4 मिले बउआ 2 2 को घेर दीजिए, ठीक बाबू। 2 2 क्या कर दिए हैं, घेर दिए हैं, ठीक ना। यहां देखिए आगे में कितना है 4, यहाँ कितना है 2, तो जो छोटा है उसको क्या कर दिए निकाल दिए। यहाँ 2x यहाँ 1x है, 1x को निकाल दिए, ठीक है। 2 2 4 2 बच गया, 2x में 1x निकल गया, 1x बच गया, ठीक ना। माइनस 2 निकल गया, x निकल गया, बच गया a² कंप्लीट दोस्तों। माइनस अब देखिए माइनस यहां से कॉमन कर लिया, आप चाहें कि यहां माइनस रहने दे सकते हैं, बाहर अंदर में नहीं, माइनस कॉमन कर लिए हैं। यहां 2 है इसमें नहीं है, इसमें b² है इसमें भी b² है, जो मिले दोनों मिला निकाल लिए, इसका माइनस निकल गया तो प्लस बच गया। अब माइनस अब प्लस क्या हो गया माइनस, है ना। b² निकल गया, कितना बच गया a² देख लीजिए, अंदर वाला बराबर हो गया ना, बराबर हुआ ना, जानबे करते हो बाहर वाला एक साथ अंदर वाला एक साथ, ठीक है। ये दोनों अंदर वाला एक साथ, एक मतलब दोनों मिला के एक लिख दिए, अब बाहर वाला को एक साथ कर दिए, ठीक है दोस्त। चलिए आप लोग का तो ठीक ही रहता है, सिर्फ हमारा ही थोड़ा गड़बड़ चल रहा है लॉकडाउन में। चलिए माइनस b² है, बराबर उधर कर दिए प्लस b², ठीक है। या आप चाहें तो इज्जत के साथ लिख दीजिए, इसको इज्जत दीजिए, अच्छे से लिख दिए माइनस b² उधर चला गया तो प्लस b² या x = b² / 2, ठीक है। यहां देखिए इज्जत दीजिए,
क्या हम लोग दे दिए इसको इज्जत, फिर से लिख दिया मतलब इज्जत मिला, माइनस था उधर चला गया प्लस हो गया, ये दो है गुना में बराबर उधर कर दिए भागा में ए स्क्वायर बाय टू। देखिए आ गया ना, एक आंसर आया ए स्क्वायर बाय टू, एक आंसर आया बी स्क्वायर बाय टू। कंप्लीट है दोस्तों, उतार लीजिए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ चुके हैं। यदि यहां पर ऐसा रहे तो गुना कर लेंगे, है ना, चार को मिले तो कॉमन कर लेंगे, कुछ ना मिले छोड़ देंगे हिसाब को, है ना। जैसा हिसाब आपके साथ कर रहा है आप भी हिसाब के साथ वैसा ही कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग उतार दीजिए इस सवाल को, सभी लोग समझ गए। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर का है, 16 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानते हो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 तीनों एक ही तरह क्वेश्चन दोस्तों, 16, 17 और 18 ये तीनों में किसी भी एक क्वेश्चन को आप बना लीजिए, सेम पैटर्न पर लागू है दोस्तों, सेम पैटर्न पर लागू है दोस्तों, है ना। चलिए तो कोई भी इस तीन क्वेश्चन 16, 17, 18 में कोई भी एक क्वेश्चन को हम लोग आज डील करते हैं, है ना, समझते हैं और तब उतारते हैं। तो पहले आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का एक, है ना, एक आसान क्वेश्चन से शुरुआत करें ताकि आप लोग को डर भय ना लगे मैथ में। मैथ का डर बड़ा खराब होता है दोस्त, मैथ का डर बहुत खराब होता है, कभी कभी बच्चा को बहुत डरा देता है, आप नहीं समझिएगा, बच्चा बहुत डरता है इससे, मैथ से बच्चा बहुत डरता है, समझ गए ना। देखिए क्वेश्चन है 5x² थोड़ा इधर करके लिखे, चलिए आप जैसा आदेश दीजिए, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को आप समझिए, है ना, इस क्वेश्चन को आप समझिए कैसे बनेगा। जानते हैं 16 का एक नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका नियम है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने के लिए, इसको बनाना है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि, समझे विधि लोग, समझिए कैसे पूर्ण वर्ग करते हैं, इसका एक नया विधि है दोस्तों, सीखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मजा आएगा। लेकिन दोस्तों देख लीजिए, एगो में मजा ले लीजिए, एगो में मजा नहीं आएगा तो जानबे करते हैं, समझ रहे हैं ना, समझिए। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, पहले पहला क्वेश्चन बना के देख ले, पहला क्वेश्चन है फिर से इसको लिख ले, इज्जत दे, चलिए इज्जत देते हैं, पहले इसको इज्जत देते हैं, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर कितना है 0। बस आप गौर से देखते रहिए, ठीक ना, फलक भी नहीं गिराना आपका, ठीक ना, नहीं तो कुछ गायब हो सकता है। अब देखिए बस यहाँ पे जो आगे में है ना, जो सबसे आगे में अंक है ना, आगे में जो अंक है, आगे में क्या रहे अंक है, जो भी आगे में अंक है उसको सबसे आप भागा दीजिए, सबसे, कोई दिक्कत है क्या, फिर से बताना, कोई दिक्कत नहीं ना, जो आगे में है उसको सबसे भागा दीजिए, मत पूछिए क्या है, इसे मत पूछिएगा, ठीक ना, और जो आगे में है उसको सबसे भागा दे दीजिए, ठीक ना। अच्छा कहिएगा सर जी नहीं रहे, नहीं देंगे, अरे आपके पॉकेट में 10 रुपया है तो ना, आप किसी को 1 रुपया भीख भी दे सकते हैं, आपके पॉकेट में खुद आप समझ रहे ना, क्या किसी को दीजिएगा। बस वही बात यहां भी है, कट गया, कट गया ना, जो मिल रहा था काट दिए, अब जो बच गया ले दीजिए, x² माइनस 6x बाय 5 माइनस 2 बाय 5 बराबर, बताइए कोई दिक्कत हुआ क्या, कोई दिक्कत है इसमें, है ना। चलिए अगला भी देखते हैं, अगला सूत्र अंत्य क्या है, एक सूत्र होता है, ठीक ना, सूत्र क्या होता है, उस सूत्र से पहले एक काम और कर लीजिए, जो लास्ट में है ना, जो लास्ट में है उसको बराबर के उधर कर दीजिए,
जो लास्ट में है उसको बराबर के उधर उधर समझते हैं ना, उधर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स बाय फाइव माइनस है ना, बराबर के उधर कर दिए, प्लस हो गया, उधर चला गया है ना, लक्ष्मण रेखा के उधर, इधर राम जी उधर, सब समझ गया ना क्या है। अब देखिए वो सूत्र होता है, हम लिख देते हैं, वन बाय टू इंटू एक्स के गुणांक का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है, ये हर हिसाब में अपने मन से आपको लगाना, ऐसा जो भी ऐसा क्वेश्चन बोले सब में इतना करने, इतना करने है, इतना करने है। जिसने कोई बच्चा जन्म लिया तो उसका मुंडन होने है, समझ रहे ना, मुंडन होना ही होना है, बस ये समझ रहे ना। भोज में आप जाते हैं, लड्डू मिले ना मिले, पूरी सब्जी पर कोई दिक्कत नहीं है, जितना मतलब आप ले सकते हैं, तो बस ये टेम्पोरी वाला है, वन बाय टू इंटू एक्स गुणांक का होल स्क्वायर। चलिए वन बाय टू मैं खाता है, आता है कि नहीं आता है, आता है, चलिए देखते हैं, वन बाय टू, वन बाय टू एक्स के गुणांक, एक्स के गुणांक, ऊपर देखिए ना, ऊपर देखिए आप, एक्स का गुणांक कौन है, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स यहाँ पर है, एक्स का गुणांक कौन है देखिए यहाँ पर, सिक्स बाय फाइव माइनस सिक्स बाय फाइव का होल स्क्वायर। एगो बात आप जानते हैं, छह का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 36 होता है, अब टू इंटू फाइव कितना हो गया, टेन, दस, और दस का स्क्वायर कितना हो गया, हंड्रेड, कोई दिक्कत, फिर से एक बार फिर से, छह का स्क्वायर 36 और दो पच्चे 10, 10 का स्क्वायर 100, क्लियर। चलिए इसको छोटा सा वो खींच देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, जो आया ना दोस्त, जो मान आया उसको इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी जोड़ देंगे, हम जो बोल रहे हैं यहां से, हमारी बातों पर मत जाइए, यहां यहीं देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप यहां देखिए, ठीक, जो यहां है उसको इधर इधर जोड़ दीजिए, ठीक ना, जोड़िए, जोड़ते हैं तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स बाय फाइव प्लस 36 बाय हंड्रेड अब बराबर टू बाय फाइव, इधर इधर जोड़ दिए, इधर जोड़ दिया, इसमें जोड़ेंगे प्लस 36 बाय हंड्रेड, ठीक है। तो सबसे पहले जो आगे में है उसको सबसे भागा, ठीक ना, फिर जो तीसरे नंबर पर है उसको बराबर किधर, फिर वो सूत्र लिखेंगे वन बाय टू इंटू एक्स गुणांक का होल स्क्वायर, एक्स के साथ जो लगा रहेगा उसका होल स्क्वायर करके जो आएगा उसको इधर इधर जोड़ देना है। देखिए ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर, विश्वास होता है आपको, नहीं होता है, चलिए दिखाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, इसको टू ए बी के रूप में लिखिए तो इसको टू ए बी के रूप में लिखिए, तो आप दूने जलाया क्या, मैंने जलाया, अपने मन से गुना, दूसरे अपने मन से गुना तो अपने मन से भागा, भाई जो काम अपने मन से कर रहे हैं ठीक ना, तो उसमें तो गुना भाग दोनों होता है, अपने मन नहीं था तू क्या करे, ठीक ना, लिख दीजिए सिक्स टू, अब देखिए ए कितना है एक्स, ए कितना है एक्स, अब बी कितना है सिक्स बाय फाइव, छत्तीस किसका स्क्वायर होता है, छत्तीस बोल दीजिए ना, किसका स्क्वायर होता है, छह, और सौ किसका स्क्वायर होता है, आवाज आ रहा है, बोलिए ना, दस का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा लग रहा है भिन्न का जोड़ है, हम भी पढ़े थे भिन्न का जोड़, आप भी पढ़ लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, लगता है एक सौ होगा, अब पांच को सौ से भागा दिए कितना हो गया, ट्वेंटी, बीस, अब बीस दूनी चालीस, ठीक है, सौ सौ कट गया, ऊपर बच गया 36, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू, गुना कर दीजिए, पांच दूनी दस प्लस छह बाय दस का होल स्क्वायर, चालीस छत्तीस जानते हैं कितना हो गया, छिहत्तर बाय एक सौ, कोई दिक्कत है,
ए स्क्वायर इतना समझाने के लिए बताया, हर हिसाब में आप नहीं कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी ए एक्स बी प्लस बी स्क्वायर, ये बी है बराबर इतना, तो लिख दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 76/100। स्क्वायर को इधर कर दिए, स्क्वायर को इधर कर दिए तो क्या हो गया, अंडर रूट 76/100। माइनस 6/10 माइनस है, बराबर को उधर कर दिए प्लस, एगो लाइन तनी छिपा दिए जगह कम में था, माइनस उधर चला गया प्लस, सौ का वर्गमूल हुआ 10 और प्लस 6/10, भिन्न का जोड़ कर लिए, लघुत्तम हो गया 10 और ऊपर हो गया अंडर रूट 76/6, आंसर हो गया। उतार लीजिए, चलिए आपको तो सचमुच का नहीं दिखाई पड़ेगा। यहां से आप जल्दी से नीचे वाला उतार लीजिए, समझ रहे हैं आप लोग, देखिए गड़बड़ा रहा है ना, आप लोग थोड़ा जल्दी से नीचे उतार लीजिए, नहीं उतारे वो भी अच्छे काम किए हैं। हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, अब आप लोग को नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहां लिख दे रहे हैं, तो हो गया अंडर 76/10 6/10, भिन्न का जोड़ कर लिए, लघुत्तम 10 अंडर 76/6, उतार आप चाहिएगा तो 76 का वर्गमूल लिख सकते हैं, है ना, 2√19 आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं करना है मत कीजिए, उतारिए पहले। उतार लिए सभी लोग, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं, 19 का एक नंबर का, तो वो क्वेश्चन पर आप बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए, 16 नंबर 17 नंबर 18 नंबर तीनों वही क्वेश्चन दोस्तों, जो नहीं बने आप व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन जरूर पूछिए, है ना। हम आते हैं 19 का एक, है ना, तो सीखिए दोस्तों कैसे बने 19 का एक नंबर। सबसे पहले दोस्तों एक काम कीजिए, 19 के एक में इसमें द्विघात सूत्र का उपयोग करना है, द्विघात सूत्र का उपयोग करना दोस्तों, कैसे करते हैं सीखिए, है ना। सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखिए द्विघात समीकरण का, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक ना, ये द्विघात सूत्र है दोस्तों, ठीक ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है दोस्तों, तो द्विघात सूत्र है, देखिए इस पर मान रखते हैं, ये आपका a, ये आपका b और ये मेरा c, ए बी आपका है, c हमारा है, बंटवारा हो गया। चलिए अब हम लोग को इसी सूत्र का उपयोग करके आंसर ले आना, चलिए लाते हैं दोस्तों B, देखिए क्या है बउआ, B B कितना है 3, चिन्ह भी देखेंगे भाई प्लस 3 है, यहां माइनस है तो जो माइनस बोलेगा माइनस तो करेंगे, माइनस 3 कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस, B स्क्वायर B कितना है 3 का स्क्वायर, 4 4 A A कितना है बउआ 4,
सी सी कितना है 5/2a2, a का वैल्यू कितना है 4, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए डायरेक्ट बोला है द्विघात पर मूल निकालने के लिए, आराम से निकलेगा दोस्तों। द्विघात समीकरण के द्वारा मूल निकालना है, देखिए -3 है ना प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बाबू 9 माइनस 4 × 16 है ना 16 × 5 = 80। चलिए 4 × 2 = 8, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक किसी कोई दिक्कत है बच्चा लोग, यहां तक किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स बराबर -3 + -9, 9 में 80 घटा दिए दोस्तों, 9 में 80 घटा दिए, कितना बच गया -71। ठीक है माइनस कितना बच गया 71, 71 में 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। चलिए अब बटा 8 हो गया दोस्तों, कोई दिक्कत, लेकिन जानते हैं एक दिक्कत हो गया, पूछिए ना क्या, पूछिए क्या, अंदर में देखिए क्या आ गया दोस्तों माइनस, अंदर में क्या आ गया माइनस, और जानते हैं वो नियम कहता है कि यदि अंदर में माइनस आ जाए ना, यदि अंदर में माइनस आ जाए तो ये समझ लीजिए कि उसका हल संभव नहीं है, अर्थात इसमें एक्स का कोई हल नहीं होगा। तो लिख दीजिए एक्स का कोई हल संभव नहीं है। देखिए चला गया ना मैं हर पानी में, पानी में कहा गया है, पानी के ऊपर देखिए तैर रहा है अपना आंसर, है ना, बस थोड़ा सा क्या हो गया कि माइनस में चला गया, माइनस का नियम कहता है कोई हल नहीं है। कंप्लीट समझ गए सब लोग, उतार लीजिए इसको। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को बनाती है 19 का दूसरा है, देखते हैं और हिसाब क्या आंसर आता है, इसका हल है या नहीं है, समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, फॉर्मूला लिखना है, क्या होगा फॉर्मूला, एक्स बराबर एक मिनट, चलिए दोस्तों देखते हैं एक्स बराबर -b + √b² - 4ac / 2a है ना, तो माइनस बी है तो बी का मान कितना है 2√5, माइनस लगा है -2√5, प्लस माइनस b² बी का मान कितना है 2√5, 2√5 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है -5, ठीक है बटा 2a, a का वैल्यू कितना है 3, ठीक ना। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इसको, -2√5 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, माइनस माइनस प्लस 5 × 15, 15 × 4 = 60, 3 × 2 = 6, ठीक है। चलिए अब थोड़ा अपना हम लोग किनारे में देख लेते हैं, -2√5 प्लस माइनस 5 × 20, 60 × 20 जोड़ दिया 80, देखिए ये प्लस में आया है आपका आंसर, ये आपका आंसर प्लस में, इस रूट में प्लस में, इसका मतलब इसका हल संभव है। -2√5 80, 16, 4√5 इसका वर्गमूल होता है, 80 का वर्गमूल 4√5 होता है, 16 × 5 = 80, 16 का वर्गमूल 4,
इसको आप ऐसे भी 80 है ना, हम बगल में आपको दिखा दे रहे हैं, तो 16 गुना 5 है, 16 का वर्गमूल 4 रूट 5, समझ जाइएगा, बटे 6, ठीक ना दोस्त। चलिए अब क्या काम करते हैं हम लोग, प्लस माइनस दोनों है ना, प्लस माइनस दोनों है तो एक बार लीजिए, एक बार लिखिए आंसर प्लस में, ठीक है, और एक बार आंसर लिखिए माइनस में, लिखिए 4 रूट 5 में 2 रूट 5 चला गया, 2 रूट 5 बटे 6, और 4 में 2 जोड़ दिए माइनस 6 रूट 5 बटे 6, 2 3 6 6 6 कट गया, आ गया आंसर √5/3 और −√5, उतार सकते हैं दोस्तों। आप लोग उतार लीजिए, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, यही एक जो है 2 मूल, एक मूल है अल्फा एक मूल है बीटा, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अल्फा, इसको हम लोग कहते हैं बीटा। किसी भी द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा, है ना, तो आ गया अल्फा और बीटा, मूल निकालें बोला सवाल में, कहा द्विघात समीकरण के सूत्र से मूल निकालें, निकाल लिए मूल द्विघात समीकरण के सूत्र से, ठीक है, तो बहुत ही आसान विधि से आपको बता दिए, तो आप इसको उतार लीजिए फ्रैक से, चलिए दोस्तों अब एक और टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 20 का एक है, ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को भी, एक और टाइप है, एक नया तरह का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें तो समीकरण नहीं है, नहीं द्विघात समीकरण से हल करना है इसको, ठीक ना, इस समीकरण को हल करना है, लेकिन अब सवाल आए कि समीकरण है कहां, अब आप समझिए कि जब इस तरह का क्वेश्चन रहे दोस्तों, तो सबसे पहला काम दिमाग में यह सोचना कि भाई हमको तो नियम का था आगे में एक्स स्क्वायर रहना चाहिए, यहाँ तो कुछ है ये नहीं है, तो ये दिमाग लाइए कि सबसे पहले हमको अब समीकरण हल करना पड़ेगा, सबसे पहला काम है हमको इसको सॉल्व करके इक्वेशन लाना पड़ेगा, समीकरण लाना पड़ेगा, तो चलिए कैसे होता है करते और सीखते हैं, कितना भी बड़ा से बड़ा हिसाब क्यों ना हो दोस्तों, या छोटा छोटा हिसाब, हिसाब से मतलब कि बड़ा है, पैटर्न से मतलब रखो, टाइप से मतलब रखो, एक किस टाइप का क्वेश्चन लिए उस टाइप, मान लीजिए इस टाइप का एक क्वेश्चन बना लिए, तो बाकी जितना भी क्वेश्चन हो भले कितना बड़ा क्यों देखने लगे, समझिए प्रोसेस वही होगा, है ना, प्रोसेस वही होगा, जैसे शेर छोटा रहे या बड़ा रहे, है ना, खाएगा मांस, यानी कि बच्चा है तो आप उसको घास खिला दोगे, नहीं वो मांस ही खाएगा, हाँ क्वांटिटी डिपेंड करता है कि बच्चा है तो कम खाएगा, बड़ा है तो ज्यादा खाएगा, लेकिन खाएगा क्या वो मांस, ये टाइप इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सब इसी टाइप से बनेगा, बस यही है, कोई ज्यादा कोई बस। देखिए सॉल्व, सबसे पहले बाबू भिन्न का जोर लग रहा है, लक्षण से लग रहा है भिन्न का जोर, चलिए भिन्न का जोर लक्षण से कर लेते हैं, अब जैसा लक्षण दिखाएगा सजा तो वैसा ही मिलेगा ना, भिन्न का जोर है तो कर लिए भिन्न का जोर, नीचे वाले का एलसीएम ले लिए, ठीक ना, x-2 से x-2 कट गया, पड़ोसी कहां चला गया ऊपर, देखो ये दोनों कट गया, ये कहां गया ऊपर, है ना, चलिए तो हम लोग ले रहे थे एलसीएम, एलसीएम ले लिए, अब -2 -2 कट गया, ये चला गया ऊपर, ऐसे भी समझो ना, ऐसे भी समझो, इसको यहां पहुंचा देते हैं, इसको यहां, ठीक, ये इसके पास चला गया, देखिए एक तो था ही, एक और चला गया, नहीं तो होल स्क्वायर बन गया, दूगो हो गया होल स्क्वायर, तो कहोगे सर जी एक बात बताइए, ये -2 और ये भी -2, ये भी दूगो है, होल स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर ही दिए तो क्या दिक्कत होगा, आप भी मैथ पढ़ते हैं अच्छे,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बता रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जानते हो बात, इसको भी गुना कर ही दो, कहे रखोगे a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला पढ़े हो हम, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए दोस्तों ये माइनस और ये प्लस कट गया, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ दिए, टू एक्स स्क्वायर कंप्लीट, दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार, तो चार चार आठ, दो दुनी चार, दो दुनी चार, चार चार आठ, क्लियर। एक्स स्क्वायर दो का स्क्वायर चार, ये प्लस ये माइनस तो चलो बसा दोस्तों फाइव बाय टू, अब थोड़े क्रॉस गुना कर दीजिए दोस्तों, क्रॉस गुना कर दीजिए। चलिए यहां करते हैं, जगह खाली है हम लोग का, आप भी अपना जगह छाप लीजिए, दो दुनी चार या प्लस को गुना कर लीजिए, पांच को एक्स स्क्वायर से गुना किए, पांच एक्स स्क्वायर पांच और बीस, पांच को एक्स स्क्वायर से गुना किए, पांच एक्स स्क्वायर पांच और बीस, दो को दो से गुना किए चार एक्स स्क्वायर, दो को आठ से गुना किए आठ दुनी सोलह। अब देखिए इसको बराबर के इधर ले आए, ठीक है ना, एक्स एक्स वाला एक तरफ हो जाएगा, प्लस चार एक्स स्क्वायर है बराबर किधर आ गया, माइनस चार एक्स स्क्वायर, ये माइनस बीस है बराबर उधर चला गया प्लस बीस, इसको इधर इसको इधर, ठीक है हाँ, पांच में चार गया हुआ एक, सोलह बीस छत्तीस, स्क्वायर को उधर कर दिए अंडर रूट छत्तीस, छत्तीस का वर्गमूल क्या होता है बुआ छह, तो जानबे कर तो एक बार प्लस और एक बार, क्योंकि रूट का मान प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो एक बार प्लस छह और एक बार आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग अभी काम किए दोस्तों, हमारे आप लोग को बीस तक बता दिए हैं, ठीक ना, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोग को प्रॉब्लम होगा, तो जिस क्वेश्चन में भी आप लोग को प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या इसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से फटाफट पूछिए, ताकि हम अगले क्वेश्चन को आपको डील कर सके, ठीक है ना। चलिए आप लोग बनाते रहिए मैथ और चेक कराते भी रहिए इसी प्रकार से।